फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सिंपल एक फ्रूट के बारे में जो कि हमारे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रूट है और जिसको हम बहुत ही सदियों से जिसका यूज़ हम करते आ रहे हैं, और वो फ्रूट है आंवला। जी हाँ फ्रेंड, आंवला को पावर पैक फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कहा जाता है कि एक आंवला में विटामिन सी की मात्रा एक ऑरेंज से कम 20 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए आंवला जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसका जो एक खास प्रोडक्ट जो इसका तैयार किया है उसको हम बोलते हैं च्यवनप्राश, जो हर घर में, इंडिया के हर घर में मोस्टली च्यवनप्राश का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में, आंवला से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और आंवला की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से हम इसे खाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और डे टू डे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें घर में आती हैं या हमारे आसपास हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंवले के फंक्शंस की बात करें तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आंवले में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि अगर हम आंवले को बालों में आंवले का पैक यूज़ करें तो इससे ना सिर्फ आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाती है बल्कि ये बालों को काला, घना और लंबा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। नंबर टू पे अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि हमें बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। नंबर तीन पे अगर हम बात करें तो ये हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंवला में कैरोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से ये कैटारैक्ट को होने से, मतलब जो कैटारैक्ट होने की प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर आंखों में आपके लाली, जलन और खारिश रहती हो तो उसको भी ये बहुत ही हद तक कम कर देता है। इसके साथ ही ये जो आंवला है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आंवला जूस जो है वो खाने से आधा घंटा पहले पिया जाए तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके आपके फैट को बर्न करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। स्किन के लिए बात करें तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आंवला में जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। अगर आप स्पेशली मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप आंवला जूस हनी के साथ लेते हैं तो ये आपकी रिंकल्स को बहुत ज़्यादा कम करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो आंवला जूस जो होता है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके साथ ही जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो वो लोग भी अगर आंवले का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी हद तक कम करने में आंवला जूस जो है हेल्प करता है। साथ ही आंवला में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो रही हो या आपको गाउट की वजह से अर्थराइटस पेन हो रही हो जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उन केसेस में भी आंवला जो है वो आपको पेन रिलीफ करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसके साथ ही अगर आपको बार बार मुंह में छाले होते हों तो अगर आप आंवला जूस का गागल करते हैं, अगर आप कुल्ला करते हैं तो उससे भी आपके छालों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ ही अगर आप रोज़ रात को सोते टाइम आंवला चूर्ण या आंवला जूस लेते हैं तो इससे जो भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ये आपकी बॉडी को। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड बच्चे लेते हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो आंवला जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हों या बिस्तर गीला करते हों रात को सोते समय तो आप एक नुस्खा बनाइए, 1 ग्राम आंवले का चूर्ण, 1 ग्राम काला जीरा पिसा हुआ और उसमें 2 ग्राम मिश्री मिलाकर अगर बच्चों को आप ठंडे पानी के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ देते हैं डेली आफ्टरनून में या कभी भी शाम के टाइम अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों का पेशाब से बिस्तर गीला करने वाली प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आपकी सॉल्व हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम हो तो उसमें आपने क्या करना है, 1 ग्राम आंवला चूर्ण जो है उसको अगर आप गाय के दूध के साथ
लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी ब्रीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपकी स्टोन हो किडनी में या ब्लैडर में स्टोन हो, अगर आपके बार बार स्टोन बनते हों, तो इसमें अगर आप आंवला चूर्ण को मूली के साथ, मूली कट करके अगर आप उसके साथ खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पथरी है वो धीरे धीरे गल कर बाहर निकल आती है और आपकी बार बार पथरी बनने की समस्या भी ठीक हो जाती है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो और यूरिन वाली जगह पर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो, तो आपने क्या करना है, 3 ग्राम आंवला पाउडर अगर आप थोड़े से शहद में मिलाकर लेते हैं कंटिन्यू फॉर 30 डेज, तो आप देखेंगे आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, अगर आपके पेट में हमेशा अफारा बना रहता है, तो आप क्या करेंगे, रात को 1 चम्मच या आधा चम्मच आंवला जो चूर्ण है वो आप गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट जो है सुबह बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको आंखों में प्रॉब्लम हो, अगर आपको आंखों की रोशनी आपकी कमज़ोर हो, तो आपने क्या करना है, रात को आंवला जो पाउडर है वो 1 गिलास पानी में, कम से कम 2 चम्मच आंवला पाउडर आप पानी में भिगोकर सुबह अगर आप उस पानी से आंखों को साफ करते हैं, आंखों में छींटे मारते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे तेज हो जाती है। लोगों को लगता है कि जो आंवला होता है वो टेस्ट में थोड़ा एसिडिक होता है, तो इसलिए हमें आंवला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आंवला चाहे खाने में अस्ट्रिंजेंट होता है, उसका पंजेंट या थोड़ा कसैला टेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही आंवला ब्लड में जाता है तो आप देखेंगे कि वो आपके ब्लड को, आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपके ब्लड को अल्कलाइन कर देता है, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम एसिडिटी वगैरह की होती है वो भी इवन आंवला लेने से ठीक हो जाती है। तो उसके लिए अगर आपको आंवला वैसे आपको थोड़ा सा कसैला लगता है या आप नहीं पी सकते, तो आप उसमें शक्कर मिलाकर या मिश्री मिलाकर ले सकते हैं, तो उसकी जो तासीर है वो और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आंवला है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, उसमें आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये बालों की रूसी, बालों का झड़ना, बालों को असमय सफ़ेद नहीं होने देता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि रात को 2 चम्मच आंवला पाउडर जो है वो पानी में भिगो दीजिए। सुबह चाहे आप इसमें थोड़ा सा मेहंदी मिलाकर भी बालों में लगा सकते हैं, या सिंपल एज इट इज जो आंवला पानी है उसको आप बालों में लगाकर छोड़ दीजिए और उसके 1 घंटे के बाद आप हेयर वॉश करिए, तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ेंगे भी, उनका डैंड्रफ, उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लेते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन और आपकी डैंड्रफ और असमय जो बाल सफ़ेद होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही स्किन के लिए, क्योंकि आंवला बहुत अच्छा है, तो स्किन के लिए भी आपने क्या करना है कि जो आंवला वाला पानी है या आंवला जूस है उसकी आप फेस पे मालिश कर सकते हैं, जिससे आप, क्योंकि आंवला में आयरन कंटेंट काफ़ी होता है, तो इसकी वजह से आपके जो फेस है वो ग्लो करना शुरू कर देता है अगर आप आंवला जूस की फेस पे मालिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान गए हैं कि आंवला जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसको आंवला जूस के रूप में यूज़ करें, चाहे आप आंवला कैंडी के रूप में यूज़ करें, चाहे आप आंवला के अचार के रूप में यूज़ करें, किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो आंवला से बनी होती है फ्रेंड्स, उसको एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस कहा जाता है। तो जिस तरह से आप आंवला, अगर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, अगर आपको इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाती है, तो आप एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस को भी सेम उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जो भी मैंने आपको आंवला यूज़ करने के फ़ायदे बताए हैं। तो एम्ब्लिका को आप अगर इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह लेना चाहते हैं, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो फिर भी एज एन इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एम्ब्लिका की 10-10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डालकर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं फॉर 2-3 मंथ्स, जिससे आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपको जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड नहीं होता है, आपके ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल सब कुछ जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है, और इवन जो आपकी एज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जान ही गए होंगे आंवले के कितने ज़्यादा फायदे हैं, तो आप आंवला जूस, कैंडी, किसी भी फॉर्म में, आंवला पाउडर की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस को भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।